डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का हिंदी बुक है, चैप्टर 19, और इसमें दिया हुआ है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हमारे देश में सबसे बड़ा अवार्ड जो है भारत रत्न है, जो महान व्यक्ति होते हैं उन्हीं लोगों को ये प्रदान होता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है, और हर बार कहीं ना कहीं दिया रहता है, तो उनके बारे में हमें कुछ जानना चाहिए। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ के देखते हैं उन्हीं के बारे में है। 7 भाई बहनों में से सबसे छोटे अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रामेश्वर तमिलनाडु जैसे छोटे कस्बे में पैदा होने वाला यह लड़का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से चौंका देगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 2002 से 2007 तक भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन और माँ आसियामा को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। तो यहाँ पे उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में बता रहा है कि कभी भी उनके माता पिता को इस बात का यकीन नहीं हुआ होगा कि रामेश्वर तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला बच्चा पूरी दुनिया को चौंका देगा, वह अपने देश का नाम ऊंचा करेगा, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और वे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने, 2002 से 2007 तक बने थे। और उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसियामा था। और उनका पूरा नाम जो है अब्दुल APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम ये लिखा हुआ है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम उनका नाम हो गया, ये उनके पिताजी का नाम हो गया, और संभवतः ये उनके दादाजी का नाम हो। तो इस तरह से उन लोग कई नामों को जोड़कर अपना पूरा नाम रखते थे। अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने अग्नि की उड़ान में लिखा है। अग्नि की उड़ान उनके द्वारा लिखा हुआ एक बुक है जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा है। उस किताब के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है उनके बचपन के बारे में, वे लिखे हुए हैं, मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हालांकि उनके कई भाई बहन थे, 7 भाई बहन, यहाँ फर्स्ट में बताया गया है 7 भाई बहनों में से वे सबसे छोटा थे, और उनके माता पिता लंबे चौड़े सुंदर थे, लेकिन वे साधारण से छोटे कद के साधारण से दिखने वाला बच्चा था, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था कि वो कोई ऐसा कुछ काम करेगा। हम लोग अपनी पुश्तैनी घर में रहते थे, मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंता और सादेपन में बीता। पुश्तैनी घर, जो माता पिता का पुराना घर होता है उसको पुश्तैनी घर बोला जाता है, तो उसी घर में वे पूरे परिवार के साथ रहते थे, और उनका जीवन काफ़ी सादा था, मतलब साधारण था। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। अक्सर जो गाँव में इस तरह का जो रहन सहन होता है, लोग कहीं भी किसी भी रूम में बैठकर खाना खा लेते हैं, रसोई में भी खाना खा लेते हैं, उसी तरह से अब्दुल कलाम यहाँ पे बतला रहे हैं कि वे भी रसोई घर में ही अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है उस बुक में, अग्नि की उड़ान में ही अपने बारे में लिखे हैं, तो उसी बुक में ये सब बताए हुए हैं अपने पिता के बारे में। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते। यहाँ पे बतला रहे हैं कि वहाँ रामेश्वरम का जो सबसे बड़ा मंदिर है और उसके जो सबसे बड़े पुजारी हैं उनका नाम पक्षी लक्ष्मण उस समय था, तो वे काफ़ी गहरे मित्र थे दोनों, और अक्सर अपने पारंपरिक वेशभूषा, मतलब जो है उस समय इंडियन ड्रेस जो हुआ करता था, जैसे वे पंडित थे तो पंडित वाले वेशभूषा में, और ये और इनके पिताजी एक मस्जिद के इमाम थे, तो उसी तरह की वेशभूषा में वे रहते थे। लेकिन दोनों काफ़ी गहरे मित्र थे और अक्सर दोनों आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते रहते थे। उन्होंने मुझे बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो आपके अंदर से भेदभाव की भावना जो है मिट जाती है और मिट जानी चाहिए। इस तरह से कलाम, अब्दुल कलाम के पिताजी उनको बतलाया करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के स्वार्च हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। उनके पढ़ाई के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो सबसे प्रारंभिक पढ़ाई, जो शुरुआती पढ़ाई जो होता है, वो हाई स्कूल रामनाथपुरम जगह का नाम है, वहाँ से उन्होंने पूरा किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब त्रिची से लौटते थे तो अपने बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम की परचून की दुकान पर मदद
करवाते थे। उनके बड़े भाई जो थे उनका दुकान था, तो जब वे त्रिची से कभी लौटते थे छुट्टी में तो उनके बड़े भाई जो है उनको अपने दुकान पे काम करवाया करते थे। सेंट जोसेफ कॉलेज में वे 4 साल रहे, वहाँ पे 4 साल इन्होंने पढ़ाई किया। यहीं उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। यहाँ पे वे 4 साल रहे और अंग्रेजी साहित्य मतलब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का उनको आदत लग गया। वे उसको जो है उसमें ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा और 1954 में उन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया फिजिक्स से। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में DRDO कहते हैं, इससे वे जुड़ गए। शुरू में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, लेकिन वे इससे संतुष्ट न थे। इसके बाद 1962 में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, जिसको बोला जाता है हम लोग के देश में जो है ये ISRO के नाम से जाना जाता है, उससे वे जुड़ गए 1962 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में इन्होंने एक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाया, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे कुछ और कुछ बड़ा करना चाहते थे तो वे ISRO से जुड़ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1980 में भारत में अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपणयान से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की देखरेख में ही रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में IGMDP का नाम दिया गया है, इसकी शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई। इसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। जब उन्होंने इतनी सारी मिसाइलें इंडिया के लिए बनाई, उनके रक्षा के लिए बनाई, तभी से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से उन्हें 3 बार अवार्ड दिया। 1997 में उनको सबसे भारत का सबसे सम्मानजनक अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके प्रयासों से ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन सका। 11 मई 1998 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में 3 विभिन्न क्षमताओं वाले परमाणु बम के परीक्षण किए गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में ये परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों की अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों पर बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। भारत ने उनके विरोध के सामने घुटने नहीं टेके। 13 मई 1998 को दोपहर 12:21 पर दो और भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अपने दृढ़ इरादों का परिचय दे दिया। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने और उसको उन्होंने पूरा भी किया। इसके लिए वे 11 मई 1998 को राजस्थान के एक इलाका है जिसको पोखरण बोला जाता है, वहाँ पे 3 परमाणु बम का परीक्षण किए और दूसरी बार ठीक 2 दिन बाद 13 मई को भूमिगत परमाणु बम 12:21 पर परीक्षण उसका भी परीक्षण किए। परंतु कई विदेशी राष्ट्र ने इनका विरोध किया, फिर भी वे किसी के सामने झुके नहीं और इन परीक्षणों को सफल किए। राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने 25 जुलाई 2002 को ली और पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किए। वे 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की व्यक्तिगत जिंदगी बहुत अनुशासन प्रिय थी। वे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। 2002 में वे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। वे बने, शपथ ग्रहण किए और उन्होंने 5 साल इसका सफलतापूर्वक पूरा किया। वे चाहते थे कि हमारा देश अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ऊपर बने, इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजीवन अविवाहित रहे। वे कुरान और भगवद्गीता दोनों का अध्ययन करते थे। वे तिरुकुरम का भी अनुसरण करते थे। वे विद्यार्थियों में बेहद लोकप्रिय थे। समय समय पर वे उनका मार्गदर्शन करते थे। डॉक्टर कलाम ने विवाह नहीं किया था। वे कुरान और भगवद्गीता दोनों को ही सम्मानपूर्वक पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और वे विद्यार्थियों में काफ़ी लोकप्रिय थे। समय समय पर वो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया करते थे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं।
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने साहित्यिक रूप से अपने शोध को चार उत्कृष्ट पुस्तकों में समाहित किया। इन पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अग्नि की उड़ान उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद है। तो अग्नि का उड़ान वे अपने भाषा में लिखे हुए हैं, लेकिन इसका नाम अग्नि का उड़ान फिर दिया गया और उसको हिंदी में अनुवाद किया गया, जिसमें वे अपनी आत्मकथा लिखे हैं, मतलब अपने जीवन की कहानी लिखे हैं। इसके अलावा उनके और भी कई बुक हैं जो कई प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। 83 वर्षीय डॉक्टर अब्दुल कलाम शिलोंग IIM के एक कार्यक्रम लिवेबल प्लेनेट अर्थ में भाषण देने गए थे, वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उन्होंने अस्पताल में 7:45 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन पर हर दिल रोया, हर हाथ ने उनको अंतिम सलाम किया। 30 जुलाई 2015 को उन्हें रामेश्वरम में सुपुर्दे खाक किया गया। सुपुर्दे खाक मतलब उनका दफन हुआ या फिर उनको दफन किया गया, क्योंकि वे मुस्लिम थे एक, और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। वे किसी कार्यक्रम में गए हुए थे भाषण देने के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर बोलने के बाद जो है उनको अस्वस्थ महसूस हुआ और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया। 7:45 के समय में उनका निधन हो जाता है। तो इस तरह से इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो बुक है अग्नि की उड़ान, उसको पढ़कर हम इसके बारे में कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम एक अच्छे पोएट भी थे, इनके कई पोएम भी हैं, आपको टाइम टू टाइम बुक में मिलेगा। तो ये देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दिया रहता है, इसको एक बार पढ़कर आप ज़रूर याद करें। और क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में डॉक्टर अब्दुल कलाम का अपनी माँ के प्रति विशेष लगाव तथा आदर श्रद्धा का भाव था, क्या आप भी अपनी माँ के प्रति ऐसा ही भाव रखते हैं, अपने अनुभव भी बताइए। इसको आपको अपने ही लिखना है, क्योंकि इसमें आपको आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि आपका क्या अनुभव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अध्ययन से दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है इसका उपसर्ग और प्रत्यय लिखने के लिए कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 भाषा अध्ययन का, जहाँ पे विशेषण और विशेष, तो विशेष का मतलब होता है संज्ञा जो होता है उसी को विशेष कहा जाता है, और उसका जो विशेषण बतलाने वाला शब्द होता है तो उसको विशेषण कहा जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दे देता हूँ। चैप्टर 19 का ये क्वेश्चन आंसर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रतिभा से विश्व को चौंका दिया, कैसे। अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद 11 मई 1998 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में 3 परमाणु बम के परीक्षण किए। डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन में यह परीक्षण हुए। 13 मई 1998 को 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण कर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रतिभा से विश्व को चौंका दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पाठ के आधार पर बताइए। डॉक्टर अब्दुल कलाम 7 भाई बहनों में से एक था। उसके माता पिता लंबे चौड़े व सुंदर थे, परंतु कलाम छोटी कदकाठी का साधारण सा बालक था। वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहता था। उसका बचपन बहुत निश्चिंतता और सादेपन में बीता। डॉक्टर अब्दुल कलाम की माँ उन्हें किस प्रकार भोजन खिलाती थी। अब्दुल कलाम अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। उसकी माँ उसके सामने केले के पत्ते बिछाती और उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी के बारे में क्या क्या बताया है। अब्दुल कलाम ने अपने पिता के बारे में बताया है, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण के अभिन्न मित्र थे। दोनों अपने पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते। कलाम के पिता उसे बताते कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें कोई जाति धर्म का भेद भाव नहीं होता। डॉक्टर अब्दुल कलाम की शिक्षा दीक्षा के बारे में पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्वाच हाई स्कूल से पूरा हुआ। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में गए। इस कॉलेज में वे 4 साल रहे। यहीं से उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। उन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन पूरा किए।
डॉक्टर अब्दुल कलाम की सेवा कार्यों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में अब्दुल कलाम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके प्रयासों से ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन सका। वे विद्यार्थियों में बेहद लोकप्रिय थे। समय समय पर वे उनका मार्गदर्शन करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? डॉक्टर कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके अंतर्गत त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई। इसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। इसके आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं।